अब आपको रायपुर से बता रहे हैं, दरअसल सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी और दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। 1 बजे धमतरी जिले के कुरूम पहुंचेंगे। सीएम कुर्मी क्षेत्रीय समाज के 50वें महाधिवेशन में शामिल होंगे। पाटन के ग्राम जामगांव की ये खबर है जिसमें आपको बता दें स्थानीय कार्यक्रम में लोग शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसे कि धमतरी और दुर्ग जिले का दौरा करेंगे आज सीएम, और इसके अलावा भी उनके दूसरे कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या जानकारियां? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 12:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए धमतरी जिले के कुरूद पहुंचेंगे, और कुरूद पहुंचकर वहां पर कुर्मी क्षत्रिय समाज का 50वां अधिवेशन है उसमें वो शामिल होंगे, और वहां पर शामिल होने के बाद सीधे वो दुर्ग जिले के पाटन के रवाना होंगे। पाटन उनका गृह क्षेत्र है, पाटन के जामगांव में वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, और वहां पर शामिल होने के बाद करीब 4 बजे के आसपास वो रायपुर लौटेंगे। राजधानी रायपुर में 6 बजे उनका एक कार्यक्रम है जो शंकर नगर ओवरब्रिज है, वहां पर उसका उद्घाटन किया जाना है। 16 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से वो ओवरब्रिज बनाया गया है, और एक बड़ी आबादी को उससे राहत मिलेगी क्योंकि जाम की स्थिति वहां पर बनती थी। वहां पर रेलवे का विशाखापट्टनम रायपुर जो मार्ग है, रेलवे मार्ग वो वहां पर था, काफी लंबी जाम वहां पर रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण लगती थी। तो एक तरह से सीधा फायदा वहां पर लोगों को हुआ है, लोग यहाँ से सीधा ब्लौदौजार के रास्ते भी जा सकेंगे, सीधे आउटर शहर के आउटर में जा सकेंगे क्योंकि बड़ा जाम वहां पर होता था और निश्चित तौर पर ट्रैफिक की भी समस्या वहां पर होती थी। तो एक बड़ी सुविधा आज लोगों को मिलने जा रही है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस ओवरब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे। इस दौरान जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं तामदर साहू वो भी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शंकर नगर ओवरब्रिज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी उनका है। साथ ही इसमें हेमंत आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में कौन कौन और मौजूद रह सकता है? देखिए, शंकर नगर ओवरब्रिज का उद्घाटन शाम 6 बजे होगा। इसका उद्घाटन पहले 22 जून को होना था लेकिन मुख्यमंत्री के व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम को एक दिन पोस्टपोन किया गया, और आज शाम 6 बजे इस ओवरब्रिज का इनॉग्रेशन होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री तामदास साहू, रविंद चौबे, शिव डहरिया, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो विधायक हैं दक्षिण से बीजेपी के, ब्रिजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, तमाम जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। एक बड़ी आबादी को वहां से राहत मिलेगी, करीब 16 करोड़ मैंने पहले बताया, 16 करोड़ से ज्यादा की लागत से वहां पर ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, और एक तरह से देखा जाए तो आचार संहिता के चलते वो जो निर्माण है वो एक तरह से रुक सा गया था, और उसके बाद जैसे ही आचार संहिता यहां पर खत्म हुई निर्माण में तेजी हुई और अब जाकर आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। जी, और जैसा कि हेमंत आपने पहले भी जिक्र किया, कुरूंद में, धमतरी के कुरूंद में भी तमाम सारे कार्यक्रम रहने वाले भूपेश बघेल के, लेकिन इस बीच खबर मिली थी कि विकास कार्य के चलते बड़ी सौगात भी वहां की जनता को मिल सकती है, क्या वो सौगातें हो सकती है? देखिए, आजकल सीएम कहीं भी सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जिस तरीके से वो राजधानी रायपुर के महादेव घाट में एक साहू समाज का कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने सौगात दी थी, भवन निर्माण की घोषणा वहां पर की थी। इसी तरीके से खुद क्षत्रिय कुर्मी समाज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं, और उस समाज के एक तरह से देखा जाए तो मुखिया के तौर पर उनकी छवि उभर कर सामने आई है। तो वहां पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सौगात वहां पर जरूर देंगे। हालांकि वहां पर समाज के द्वारा भिन्न वहां पर मांगे मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, हालांकि क्या सौगातें वहां पर मुख्यमंत्री देते नजर आते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और इसी बीच हम अगली खबर भोपाल